हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआई और आरएफआई फिल्टर्स के बारे में दोस्तों। तो जैसे कि मेरे पास ये ईएमआई और आरएफआई फिल्टर है। सो बेसिकली ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और आरएफआई जो दोस्तों होता है वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है और इसको फिल्टर करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है और इसकी क्या क्या डिटेल्स होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ईएमआई फिल्टर की कंस्ट्रक्शन से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारा मेन वोल्ट सॉकेट होता है जिसमें से हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी आती है 230 वोल्ट्स एसी, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ईएमआई फिल्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में और वर्किंग के बारे में सीख पाएंगे। तो बात करते हैं हमारे मेन्स वोल्टेज की जो कि है 230 वोल्ट्स एसी। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज जो मेन फ़र्क है वो है हमारा जो डीसी वोल्टेज होती है वो टाइम के साथ साथ, अगर ये हम मैं टाइम लूँ ग्राफ में, तो टाइम के साथ साथ सेम रहती है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 311 वोल्ट्स डीसी ले लेता हूँ तो ये टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज सेम रहेगी। मतलब ये एक सेकेंड बाद, दो सेकेंड बाद, दस सेकेंड बाद भी 311 वोल्ट ही रहेगी थ्रू आउट, एकदम सीधी, बिल्कुल इसमें चेंज नहीं आएगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ड्रॉप हो सकता है बट ये मोस्टली टाइम के साथ साथ कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो जो कांस्टेंट वोल्टेज मतलब सीधी वोल्टेज बिल्कुल होती है वो होती है हमारी डायरेक्ट करंट वोल्टेज मतलब डीसी वोल्टेज। अब बात करते हैं एसी वोल्टेज की। तो जो एसी वोल्टेज है दोस्तों वो हमेशा चेंज होती रहती है, अपनी स्टेट हर पल उसकी चेंज होती रहती है, कभी भी वो स्ट्रेट नहीं रहती। तो जैसे कि बात करें यहाँ पर, तो ये टाइम है, टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज, ये देखिए हर ये आप अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारी वोल्टेज, तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट को लेंगे और उससे अगला पॉइंट देखेंगे तो या तो उससे वो ज़्यादा होगा या उससे वो कम होगा। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये ऊपर आ रहा है। तो हर पल चेंज होते रहने वाली वोल्टेज जो है उसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज बोलेंगे, मतलब एसी वोल्टेज। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों आरएमएस वोल्टेज की। तो आरएमएस वोल्टेज जैसे कि इस केस में 220 वोल्ट्स है, तो आरएमएस वोल्टेज इस सिग्नल का, जो ये सिग्नल बन रहा है, ऐसे वोल्टेज की एक शेप होती है एसी वोल्टेज की। तो इसमें जो ये पीक पॉइंट है ये नहीं होता, एक बीच में एक पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं अपना आरएमएस वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज जो होती है दोस्तों ये वाला पॉइंट इस ग्राफ का, ये होता है डीसी, मतलब जब हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो पूरी जो पीक वोल्टेज होगी वही हमारी ऑब्टेन होगी। जैसे कि कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही होगा आरएमएस को हम जब VRMS जो भी RMS वोल्टेज होती है जैसे कि 220 वोल्ट्स, इसको हम जब √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा DC आ जाता है। आपने देखा ही होगा 1.414 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि √2 होता है, तो VRMS जो हमारी RMS वोल्टेज है 220 वोल्ट्स वो DC के इक्वल आ जाती है, मतलब 311 वोल्ट्स हमारी बन जाती है। तो वो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो लेकिन ग्राफ में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर पता चल ही रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पीक पॉइंट होता है वो 311 वोल्ट्स अगर होता है तो RMS 220 वोल्ट्स होगी। RMS क्या होगा, इस ग्राफ का एवरेज होगा। तो इसको एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा RMS के कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो वो उससे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 220 वोल्ट्स RMS आ जाता है, और पीक को कैलकुलेट करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ दोस्तों बात करते हैं एक बार फेज़ की। तो फेज़ क्या होता है बेसिकली किसी भी एसी सिग्नल में, तो फेज़ का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो आपका सिग्नल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब कि मान लीजिए ये एक सिग्नल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे जा रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है। और इसका 180 डिग्री फेज रिवर्स सिग्नल क्या होगा, 180 डिग्री का मतलब दोस्तों क्या होता है कि एग्जैक्टली उल्टा, मतलब कि जहाँ ये ऊपर जा रहा था वहाँ ये नीचे आएगा पहले, और फिर जहाँ ये नीचे जा रहा था वहाँ ये ऊपर जाएगा।
तो इसका सेम फेज रिवर्स अगर मैं कहूँगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स क्या होगा, तो रिवर्स को हम बोलेंगे 180 डिग्री। दैट इज कि आपका जहाँ ये ऊपर जा रहा है वहाँ नीचे जाएगा और जहाँ नीचे जाएगा वहाँ ऊपर, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे फेज रिवर्स। तो ऐसे ही और भी फेज होते हैं, लाइक 90 डिग्री फेज भी हो सकता है। 90 डिग्री वाले फेज में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ से आपका सिग्नल शुरू हो रहा था नॉर्मली, तो 90 डिग्री फेज रिवर्स में आपका सिग्नल यहाँ से शुरू होगा, मतलब ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा गलत बना पा रहा हूँ मैं, तो सही से बनाते हैं। कुछ कुछ ऐसे होगा, ऐसे निकलेगा ये 90 डिग्री फेज रिवर्स सिग्नल बना रहा हूँ मैं। तो ये जो सिग्नल होगा ये वाला, ये आपका 90 डिग्री फेज रिवर्स सिग्नल होगा। इस केस में भी 90 डिग्री फेज रिवर्स सिग्नल अगर हमें बनाना है तो कुछ कुछ ऐसा होगा, मतलब कि जो इन दोनों के बीच का पॉइंट बन रहा है और इन दोनों के बीच का पॉइंट बन रहा है, यहाँ से ग्राफ होता हुआ जाएगा। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब हम दो सिग्नल्स को कंपेयर करते हैं तभी हमें ये चीज़ समझ आती है, क्योंकि एक सिग्नल के रिस्पेक्ट में दूसरा सिग्नल का जो फेज़ है उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं इस तरीके से। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए दोस्तों, लाइक ओसिलोस्कोप वगैरह, आपको पता होगा एक ओसिलोस्कोप आता है, यहाँ पर फोटो आ रही होगी स्क्रीन पे, तो ओसिलोस्कोप की मदद से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि ये फेज़ रिवर्स हो रहा है कहीं ना कहीं, या फेज़ हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, तो उसको भी हो सकता है करेक्ट करने की ज़रूरत हो या फिर नहीं भी हो, तो वो हम देख सकते हैं। और भी इसका यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो मेन पावर लाइन्स होती हैं हमारी, उसमें 3-phase AC आता है। तो 3-phase AC का मतलब क्या होता है कि हमारा जो तीनों फेज़ होते हैं वो 120 डिग्री के फेज़ शिफ्ट में, मतलब डिवाइड होते हैं, मतलब तीन सिग्नल आ रहे होते हैं और आपस में 120 डिग्री वो शिफ्ट हो रखे होते हैं। तो उसका भी एक डायग्राम आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो कुछ कुछ इस तरीके से, लाइक हमारा जो 3-phase का मेन पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें 3-phase कुछ कुछ दिखता है। तो हालांकि वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इसलिए हम उसको डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बट बात करते हैं नॉर्मल एसी सिग्नल की। तो जब दोस्तों एसी सिग्नल आता है हमारा, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी कभी कभी नॉइस जनरेट होने लगती है। तो वो कैसे होती है, वो क्यों होती है बेसिकली, तो सबसे पहले वो जानते हैं कि वो क्यों होती है। मान लीजिए दोस्तों कि पीछे से आपका जो सिग्नल मेन आ रहा है 230 वोल्ट्स का, उसी सिग्नल से हमारे और भी अप्लाइंसेस चल रहे हैं, जैसे कि फ़ैन है, घर का फ़ैन भी चल रहा है उसी सेम सिग्नल से, इससे ही मान लीजिए इससे फ़ैन भी चल रहा है, इसी सिग्नल से एसी भी चल रहा है, इसी सिग्नल से टीवी भी चल रहा है, इसी सिग्नल से कंप्यूटर भी चल रहा है, और इसी सिग्नल से और भी अप्लाइंसेस हमारे घर की चल रही हैं, और हो सकता है कि किसी और के भी घर की, जैसे जो पीछे से मेन सिग्नल आ रहा है, जो ग्राउंड है, हर एक सिग्नल का जो ग्राउंड है वो सेम ही हो थ्रू आउट, पूरे घर में सेम ही हो आपके। तो उस केस में क्या रहता है दोस्तों कि जो ये सब डिवाइसेस जब चल रही होती है तो कुछ रेडिएशन जनरेट होता है या फिर कुछ नॉइज़ जनरेट होती है। फ़ैन के केस में तो आप कह सकते हैं कि बैक EMF जो फ़ैन जनरेट करता है, बैक EMF क्या होता है कि आपको पता है, जैसे आपने किसी भी फ़ैन में, ये हमारा फ़ैन है, किसी भी फ़ैन में मैंने अगर वोल्टेज दी तो फ़ैन घूमेगा, लेकिन अगर फ़ैन घूम रहा है तो वो पीछे भी वोल्टेज जनरेट करेगा। तो सेम टाइम पे जो पीछे भी वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है फ़ैन, तो वो अलग अलग, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग है वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसलिए वो और भी अप्लाइंसेस को इफ़ेक्ट करेगी और भी अप्लाइंसेस में वो नॉइस एंटर कर सकती है। और दोस्तों इससे नुकसान क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें एम्पलीफायर्स की, तो इसमें हो सकता है आपको कुछ हिसिंग नॉइस के रूप में ये सुनाई दे स्पीकर्स के थ्रू, क्योंकि इसको आप सुन सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को, आप नॉइस को, तो हो सकता है कि ये कुछ नॉइस इंट्रोड्यूस करे, या फिर हो सकता है ये नॉइस अगर इंट्रोड्यूस नहीं भी करें तो आपको ये ओवरहीट कर सकती है एम्पलीफायर को, ये भी हो सकता है कि ये जस्ट आपको वो हीट में कन्वर्ट होने लग जाए और स्पीकर्स में सुनाई तो नहीं देगा बट हीट में कन्वर्ट होने लग जाए, तो उस केस में आपकी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब एसी सिग्नल को विजुअलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा मेन सिग्नल आ रहा है, मान लीजिए वही 220 वोल्ट्स का सिग्नल आ रहा है मेन, जो एम्पलीफायर में जा रहा है। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए दोस्तों पहले हमें एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जो कि है फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी किसी भी एसी सिग्नल में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि रिपीट करना, मतलब वो कितना फ्रीक्वेंट है, कोई भी चीज़ कितनी बार 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 हो रही है, कितनी ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि ये देखिए, इसमें अगर आप देखें तो बार बार इसका पैटर्न रिपीट हो रहा है,
तो जैसे कि दोस्तों ये मान लीजिए ये एक सिग्नल है, ये पूरा एक सिग्नल कंप्लीट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अगर आप दोबारा देखेंगे तो ये दोबारा रिपीट हो रहा होगा और फिर ये दोबारा रिपीट होगा, तो ऐसे ये रिपीट होता हुआ चलता चला जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार ये एक सेकंड में रिपीट हो रहा है, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा दोस्तों, अप्लाइंसिस पे भी लिखा होता है और हमारे जो मेन जो सिग्नल आ रहा होता है 230 वोल्ट्स का घर पे, उसमें 50 हर्ट्स भी एक टर्म यूज़ करते हैं कि 50 हर्ट्स आ रहा है। अब 50 हर्ट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक सिग्नल फिर ये दोबारा रिपीट हुआ, फिर ये दोबारा रिपीट हुआ, फिर ये दोबारा रिपीट हुआ, तो ये रिपीट अगर 50 टाइम्स एक सेकेंड में होता है तो ये 50 हर्ट्स कहलाएगा। आप ये अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेकेंड में ये 50 बार हो रहा है, इतनी फास्ट हो रहा है ये। तो ये तो होता है हमारा सिग्नल 50 हर्ट्स का। तो अब बात करते हैं साथ ही साथ, अगर आप ध्यान से सोचें तो जो हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, मतलब कि जो स्पीकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जितनी हम हमारे ईयर्स जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं जो सुन सकते हैं, वो होता है 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सेकंड में 20 बार या फिर एक सेकंड में 20,000 बार कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है और उससे जो साउंड निकल रही है उसको भी हम सुन सकते हैं, तो ह्यूमन का जो ईयर होता है। बट हाँ, इसकी जो लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट होती है, बट वो एज के साथ साथ होती है कि एज के साथ साथ हमारी ये जो हाई फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करने की क्षमता होती है बेसिकली, वो कम हो जाती है। तो बट ये आइडियल है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि फ्रिक्वेंसी से हमारा जो है नॉइस का कैसे रिलेशन जनरेट होगा। तो दोस्तों जैसे आपको पता लग गया कि ये हमारा जो मेन सिग्नल आ रहा है पीछे से, ये 50 हर्ट्स है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये रिपीट हो रहा है, 50 टाइम्स ही रिपीट होगा एक सेकंड में। लेकिन अब इसी के अंदर में जो है हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज जनरेट होगी, मतलब ये जो पूरा एक सिग्नल चल रहा है इसी के अंदर और भी छोटे छोटे वेव्स, ऐसी ही वेव्स, इस टाइप की ऐसी वेव्स जनरेट होगी जो कि जो पीक पे होती है, मतलब जब ये सिग्नल पीक पे पहुँचता है अपनी, उसमें ये ज़्यादा हो जाती है बेसिकली, फिर ये नॉर्मल हो जाती है, फिर ये जो जब ये पीक पे पहुँचेगा सिग्नल तब ये नॉइस ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जब सिग्नल चल रहा है 50 हर्ट्स तो ये है ही है, लेकिन इसके अंदर और हाई फ्रिक्वेंसी भी जनरेट हो रही है, जिसको हम कुछ कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस एक सिग्नल के अंदर और सिग्नल्स भी चल रहे हैं, तो वो सिग्नल जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के साथ। अब इसी अनस्मूथ सिग्नल को स्मूथ सिग्नल बनाने के लिए, एकदम स्मूथ सिग्नल बनाने के लिए हम EMI फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये है EMI फिल्टर, तो इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सिग्नल बना हुआ है जिसमें नॉइस दिखा रखी है कुछ कुछ ऐसे, ये पीक स्पेस की नॉइस आ रखी है। तो इसको ये बता रहे हैं इस डायग्राम में भी, ये ऐसी नॉइस को एकदम प्लेन सिग्नल बना देगा। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये इसके यहाँ पर बिफोर है, ये बिफोर ऐसा सिग्नल आ रहा है और आफ्टर ऐसा सिग्नल हो जाएगा, तो एकदम क्लीन सिग्नल हो जाएगा अगर आप इस फिल्टर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो नॉइस है, नॉइस फैक्टर कम हो जाएगा। तो ये इसका स्कीमेटिक है जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ भी करके रखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा दोस्तों इसके स्कीमेटिक पे फोकस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से दोस्तों हम क्या समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट कर सकती है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी तो जैसे आप जानते ही हैं कि आसपास हमारे जो है वातावरण में जो है रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं कुछ, जो कि रेडियो जैसे FM हो गया, AM हो गया या फिर और भी माइक्रोवेव्स हो गई, तो ये सब जो है ये इफ़ेक्ट कर सकती है किसी भी सर्किट के अंदर, ये इंटरफेयर कर सकती है। दो टाइप से करती है दोस्तों, एक होती है बाय कंडक्शन और एक होती है बाय रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि जैसे कि हवा में मतलब कोई रेडिएशन है, कोई रेडिएशन जनरेट हो रहा है, हमारे फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, इन सब से जो रेडिएशन जनरेट होता है वो तो आपका आ जाएगा रेडिएशन में। और बाय कंडक्शन मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैन भी आपने एक ही सॉकेट से फ़ैन भी चला रखा है, टीवी भी, एसी भी, कंप्यूटर भी, तो इन सब से क्या है कि बैक EMF जनरेट हो सकता है या सिग्नल में इंटरफेरेंस आ सकती है। तो उसी को फ़िल्टर करने के लिए हम ये लगाएंगे EMI फ़िल्टर। तो सर्किट के लिए हम इस स्कीमेटिक को रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसमें तीन चीज़ें हैं, लाइफ, न्यूट्रल और अर्थ।
तीन इसमें टर्मिनल्स दे दिए गए हैं। तो लाइव और न्यूट्रल कुछ ऐसे जा रही हैं दो लाइंस, और अर्थ जो है हमारा ये वाला है। तो दोस्तों EMI फिल्टर की कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लाइन और न्यूट्रल टर्मिनल के बीच में एक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, जनरली 0.1 UF जो कि हमारा 100 NF का होता है। और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, आप और भी वैल्यूज़ का लगा सकते हैं, बट कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके कैलकुलेटर का, तो किस तरीके से ये कैलकुलेट कर सकता है, और आप कुछ आर्टिकल्स रेफ़र करके भी ये सीख सकते हैं किस टाइप से वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी। तो एक कैपेसिटर जो ये पैरेलल में लगा होता है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों जाननी, कि वो एक कैपेसिटर की रेटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स रेटिंग या फिर वाई रेटिंग। उस पर लिखा होता है कैपेसिटर पे X1, X2, X3 या फिर Y1, Y2, Y3। तो ये X और Y का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें X का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो कैपेसिटर है वो अक्रॉस द लाइन लगेगा, मतलब जो ये मेन लाइन आ रही है उसके अक्रॉस लगता है हमेशा। और जो Y वाले होते हैं कैपेसिटर जिस पे Y लिखा होता है, वो सूटेबल होता है अर्थ से, मतलब कि जो हमारी अर्थिंग होती है, जो थर्ड टर्मिनल होता है हमारा, जो तीन प्लग आपने देखे होंगे, इसमें भी जो ये है, ये वाला थर्ड वाला, ये यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे तीन है, लाइव न्यूट्रल अर्थ। तो जो ये थर्ड वन अर्थ वाला दोस्तों होता है टर्मिनल, ये इससे कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। तो वाई वाले कैपेसिटर अर्थ से कनेक्टेड होंगे, और जो X2, X1, एक्स रेटिंग वाले होंगे वो आपका अक्रॉस द लाइन, डायरेक्टली लाइन के अक्रॉस आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो हमारे एक्स रेटेड कैपेसिटर्स होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि जब ये फेल होगा, मतलब कैपेसिटर मान लीजिए कभी ये डैमेज हो जाता है, फेल हो जाता है, तो फेल होने की वजह से ये मान लीजिए ये जो X2 ये कैपेसिटर है यहाँ से ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने की वजह से ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से यहाँ ये शॉर्ट हो गया और ये डायरेक्ट जो है आपकी जो लाइन है ये डायरेक्ट हो गई। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो दो तरीके से फेल हो सकते हैं, या तो जब भी शॉर्ट होगा तो वो दो टर्मिनल्स जो अंदर दो इसके कैपेसिटर्स के अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं, या तो वो दोनों शॉर्ट होकर मिल जाएंगे आपस में और ये पूरा सर्किट कंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों के बीच में। या फिर जब भी ये कंपोनेंट फेल होगा तो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने से क्या होगा कि आपका सिग्नल डायरेक्ट निकल जाएगा बिना फिल्टर होए, लेकिन आपका जो है ये दोनों शॉर्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो जाता, ये दोनों अगर आपके शॉर्ट हो जाते, तो अंदर इस कैपेसिटर के और आसपास जो है एरिया, यहाँ पर फायर मतलब कि आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए X2 रेटेड कैपेसिटर्स हमेशा जब भी डैमेज होंगे या ख़राब होंगे तो आपका आग कभी नहीं लगेगी, लेकिन जो Y2 रेटेड कैपेसिटर्स हैं उसमें लग सकती है ये आग। अगर हम इसमें Y2 रेटेड या Y रेटेड लगा देते तो आग लग सकती थी, क्योंकि ये शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें आग लगने का खतरा होता है। बट जो Y2 है वो कॉमन मोड नॉइस को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए वाई रेटेड कैपेसिटर्स को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। और अगर मान लो ये कैपेसिटर फेल भी हो जाए तो जो सिग्नल है वो अर्थ में चला जाएगा, और सर्किट में फ्यूज़ भी लगा होता है जिससे कि लोड बढ़ने पर फ्यूज़ उड़ जाएगा और सर्किट ऑफ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो सर्किट में लीकेज के कारण करंट लगने के चांसेस हो सकते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल स्कीमेटिक की। तो आपने जैसे देखा लाइन और न्यूट्रल पे पहले एक X2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया नॉइस को, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर हमने क्या किया कि एक कोर में, या तो ये टोरॉइडल कोर होगा, मतलब टोरॉइडल कोर, एक ही टोरॉइडल कोर में हमने एक इंडक्टर वाइंड कर दिया और एक इससे इंडक्टर वाइंड कर दिया, मतलब दोनों से लाइन और न्यूट्रल से एक एक कोयल बना दी उस कोर में, और कोर को एक ही कोर को रखा। उसके बाद हमने दोबारा से उस सिग्नल को लेकर के गए और एक और X2 रेटेड कैपेसिटर से अगेन फिल्टर कर दिया, मतलब एक LC फिल्टर टाइप का हमने इसमें लो पास फिल्टर बना दिया। और लो पास फिल्टर की तरह काम करेगा, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब लो पास फिल्टर की हमेशा एक 200 कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहती है, तो उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम जो इस नॉइस फ्रिक्वेंसी इससे थोड़ा सा कम रखेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, तो जो ये फ्रिक्वेंसी होगी जो ये दोनों मिल के बनाएंगे, जितने भी उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा
उसको ये फिल्टर आउट कर देगा ये LC फिल्टर। तो LC फिल्टर लगाने के बाद हमने ये कॉमन मोड दो फिल्टर्स कैपेसिटर लगाए अर्थ के साथ कि हमने जो एक्स्ट्रा नॉइस जनरेट हो रही है हाई पीक्स पे जनरेट हो रही है उसको हमने ग्राउंड कर दिया डायरेक्टली अर्थ से। तो जो बाकी सिग्नल बचेगा जो यहाँ से सिग्नल आएगा वो हमारा आएगा काफ़ी क्लीन सिग्नल। तो तभी हम ये जो है EMI फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अंत में दोस्तों बात करते हैं कि इस EMI फिल्टर को क्या हम घर पे DIY करके बना सकते हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों हम बना सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये X2 रेटेड और Y2 रेटेड का हमें बहुत ध्यान रखना है। बस सिर्फ ये वाइंड करने के लिए जो वाइंड आप करेंगे टोरॉइड पे इंडक्टर, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कोर है वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। एंड लास्ट में दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी जो बॉडी है, जो ये शील्डिंग बॉडी है, ये पूरी शील्ड हो रखी है बॉडी, ये पूरी बॉडी इसकी अर्थ हो रखी है। देखिए ये टर्मिनल और ये पूरी बॉडी एक ही है। तो इस बॉडी को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा घर में DIY करने में। तभी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये खरीद लेना ही ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आई गेस 400-500 रुपीज़ तक की आइटम है। तो ये आपको अगर मिलती है कहीं से तो आप ज़रूर ये ले सकते हैं। बट ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि ये इंटरफेरेंस हमेशा आपका होता हो या फिर जो मेन प्रॉब्लम है नॉइज़ की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से ही हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके एम्पलीफायर में अगर नॉइज़ जनरेट हो रही है, इंटरफेरेंस कुछ जनरेट हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है देन डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आने वाली वीडियो में हम जल्दी और भी टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।